राहिल के नाम से ही लगता था कि वो जल्द रिलक पाएगी। परवरदिगारा, इसकी जुदाई पर मुझे सब्र अता फरमा। बाबा जान, कनान के लोग आ गए। अब क्या फायदा? कहाँ है वो? उस तरफ है। जल्दी करो, मेरे साथ आओ। मेरे खुदाया, सलाम नबी ए खुदा। सलाम। देर कर दी बहन, बहुत देर कर दी। वो राहिल थी। हाय मेरे खुदा। दोनों देरीना दोस्त हैं। इस किस्म के मसाइब हमारे लिए नए नहीं। हम इस मुसीबत में भी खुदा की पनाह मांगते हैं। तुम यकीनन लिया हो। राहिल की बहन, तुमको ताजिया पेश करती हूँ। देख रहे हो बेटा, जहां तुमने कदम रखा है कारवासराय से ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोग आते हैं, चले जाते हैं। खुशामदीद तुम्हारे कदम मुबारक। इसके कदम ना मुबारक है ना मुबारक। इसका नाम बिन अनी है, नहुसत का बेटा। ये मेरी बहन की मौत का बाइस बना। बस करो, अब बस भी करो। मौत और जिंदगी किसी और के हाथ में है, इसमें बच्चे का क्या कसूर है? बिन अनी नहीं, बिन यामीन। फरसन दस्तेरास्त, ये अपने बाबा का दस्तेरास्त होगा। तुम कौन हो मेरी जान? यूसुफ, राहिल का बेटा। तो तुम राहिल की निशानी हो। सबसे पहले तुमसे ताज़ियत करनी चाहिए। मेरी माँ, माँ। परवरदिगारा, राहिल की रूह को गरीक रहमत फरमा। राहिल की रूह को गरीक रहमत फरमा। आमीन, आमीन। कहते हैं खुदा जिसे भी ज्यादा चाहता है वो उसे अपने पास बुला लेता है। उप्पी की जान,
तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ खुदा के पास है? जानता हूँ, खुदा ने उनको अपने पास जन्नत में बुला लिया है, लेकिन मैं उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं खुदा से दुआ गो हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हें और तुम्हारे बाप को सब्र जमील अता करे। फाइका पप्पू, क्या जन्नत यहाँ से बेहतर जगह है? हाँ मेरी जान, बेहतर है। तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो। मेरे बच्चे, खुदा तुम्हें सलामत रखे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। मुझे इस बच्चे के खूबसूरत चेहरे और दिलनशीन बातों में जो ये कर रहा है बुजुर्गी के आसार नजर आ रहे हैं। ये अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा होशियार है, जो कि नाकाबिल यकीन है। बस करो बहन, बस करो। यूसुफ भी अपने दूसरे भाइयों ही की तरह है, उनसे मुख्तलिफ नहीं है। यूसुफ का चेहरा और इसकी बातें मेरे लिए दिलनशीन है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो, शायद इस तरह इसकी माँ की कमी को कुछ कम कर सकूं। मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं उसके बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस ना होने दूंगी, अपने दूसरे बच्चों की तरह इनकी भी परवरिश करूंगी। लेकिन तुम अपने इतने बच्चों के साथ कैसे कर सकोगी? ये मुमकिन ही नहीं। मैं इजाजत नहीं दूंगा कि ये लम्हे भर के लिए भी मेरी निगाहों से दूर हो। वो शहर जहां आखिरी उम्र तक रहना है। आ गए, याकूब नबी का काफला आ गया, आ गया याकूब नबी का काफला आ गया। खुश आमदीद, नबी खुदा के कदम मुबारक हों। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। आप पर जो मुसीबत टूटी हमें उसकी खबर ना थी। खुदा आपको सब्र जमील अता करे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है और हम इसकी रजा में राजी हैं। खुश आमदीद, खुशामदीद। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। खुशामदीद, 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 खुशामदीद। ये राहिल का बेटा यूसुफ है ना? खुशामदीद। देखो इनका बेटा यूसुफ कितना खूबसूरत है। बहन, हमारे बाबा इसहाक नबी का मकबरा कहाँ है?
जानते हो, वहीं जहाँ हमारे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनकी जोजा का मकबरा है और हमारी माँ रफा की कब्र भी वहीं है। पहले मैं उनकी ज्यारत और उनके साथ अहद का इरादा रखता हूँ। लिया, सबको खबर कर दो कि मिलकर वहाँ जाएंगे। यहूदा, लावी, बिस्मा, जो अमानत मैंने तुम्हारे सुपुर्द की थी वो ले आओ। हम अपने बाबा इसहाक के मजार पर जा रहे हैं। खुदा का दुरूद हो इब्राहिम पैगंबर पर। खुदा इब्राहिम और इसहाक की अरवाह को शाद रखे। कनान के लोगों की हिदायत और ईमान इन्हीं की मेहरबानी से है। आखिरी लम्हात में वो आपको देखने के लिए बेकरार थे। उन्होंने रिसालत आपकी सुपुर्द की है और वसीयत फरमाई कि इब्रानियों की हिदायत की जिम्मेदारी कबूल फरमाएं। इन पाक तनियत हस्तियों से मदद का ख्वास्तगार हूँ और खुदा से रिसालत की इस अजीम जिम्मेदारी की अंजामदही पर मदद तलब करता हूँ। ये कमीज हमारे दादा हजरत इब्राहिम की है जो हमारे बाबा इसहाक को विरासत में मिली और अब आप इसके वारिस हैं। आपकी अदम मौजूदगी में बाबा की औलादों में सबसे बड़ी होने की वजह से मैं इसकी अमीन थी और अब मैं ये अमानत आपके सुपुर्द करती हूँ। बाबा की वसीयत के मुताबिक ये कमीज आपके बाद आने वाले तमाम अंबिया तक पहुंचेगी। इस कमीज को अबाई रिसालत भी कह सकते हैं। कनान के लोग आपकी बैत करते हैं और हजरत इसहाक के बाद आपको नबी खुदा मानते हैं और आपकी रिसालत की गवाही देते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारकबाद पेश करते हैं। मुबारक हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कमीज बाबा के बाद किसको मिलेगी? जाहिर है जो भी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। गलती पर हो, वो जिसका ईमान सबसे ज्यादा कवी होगा।
मुझे भूख लगी है। हमें खाना नहीं दोगी माँ? खाने का क्या होगा, थोड़ा इंतजार करो। क्या बात है? क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? ये तो बहुत कम है, यूसुफ को ज्यादा क्यों दिया? चुपचाप अपना खाना खाओ। बस करो लिया, क्या कर रही हो, खुद पर काबू रखो। बिन्यामीन को मैं संभाल लेती हूँ, तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ। इतने सारे बच्चों का पालना मुश्किल है। लिया हक बजानिब है, अपने साथ बेटों और बेटी के साथ राहिल के बच्चों का भी इजाफा हो गया है। मैं फिर कहती हूँ कि मुझे हमेशा ही से साहिब औलाद होने की ख्वाहिश रही, लेकिन यह आरजू कभी पूरी ना हो सकी। मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं रही, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो, राहिल के इस बच्चे को मुझे दे दो। इत्मीनान रखो, मैं इसे अपनी पलकों में छुपा कर रखूंगी। देख रहे हो ना कि लिया बेचारी भी किस कदर मुश्किल में गिरफ्तार हो गई है। तुम्हें यूसुफ और उसके भाई के मुतालिक कुछ सोचना होगा। लेकिन उसकी दूरी को कैसे बर्दाश्त करूं? अगर दूर ले जाऊं तो बर्दाश्त ना करना, अगर इसे हर रोज तुम्हारे पास लेकर ना आऊं तो वापस ले लेना, अगर इसकी मोहब्बत में कमी करूं तो मुझे मत बख्शना, मुझे मौका दो। मैं अपनी जिंदगी के ये आखिरी अय्याम यूसुफ के साथ गुजार लूं। यकीन जानो, इस तरह रखूंगी कि राहिल की रूह भी शाद रहे और तुम्हारा दिल भी। लेकिन फाइका, राहिल से किए गए मेरे वादों का क्या होगा? मैंने जो कसम खाई थी कि उसके बच्चों को माँ की कमी का जरा भी एहसास नहीं होने दूंगी। फायका तुम्हारी कसम को अमली जामा पहनाएगी, यकीनन वो यूसुफ को उसकी माँ से कम अजीज नहीं रखेगी। तुम्हें डर है कि मैं बच्चों की ज्यादती की वजह से यूसुफ का ध्यान नहीं रख पाऊंगी? नहीं, बल्कि मुझे तो खौफ है कि कहीं तुम दूसरे बच्चों को नजरअंदाज करके सिर्फ यूसुफ पर तवज्जो न देने लगो। यूसुफ मेरे बेटे, इधर आओ। बेटा ये बताओ कि तुम अपनी फूफी फायका के साथ जाना चाहोगे? जी बाबा, फूफू फायका एक अच्छी माँ है। मगर तुम्हारी माँ की तरह अच्छी नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी कि मुझमें से तुम्हें उसकी खुशबू आए। शुक्रगुजार हूँ आपकी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जहाँ से ज़्यादा इसे अजीज रखूँगी और अपने सीने से लगा कर रखूँगी। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए इसे यहाँ से ले जाओ। इसका मतलब है अब हम यूसुफ से नहीं मिल पाएंगे? ये तुमसे किसने कह दिया? फूफी की जान, ये हर रोज तुम्हारे साथ यहाँ खेलेगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम्हारा खाना, तुम लोगों ने अपना खाना खत्म नहीं किया? ख्याल से। Thank you.